वक्त वज़ीर दाखला हमारे साथ मौजूद हैं। हमें बताइएगा कि जो आज हुआ है सारे दिन, क्या आप कहेंगे इस हवाले से, इतना लेट जो है ये तमाम तर रिएक्शन हुआ है एजाज साहब? जी, सबसे पहले तो जी मैं मेरा ख्याल है हर पाकिस्तानी को वाकये के ऊपर अफसोस है। ये ऐसा दर्दनाक वाकया है जो कि आज तक मैंने तो नहीं कभी पहले देखा। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। दोनों जो इसमें स्पीक है वो दोनों पढ़े लिखे सोसाइटी के लोग हैं। एक डॉक्टर है वो भी पढ़े लिखे हैं, एक मुकला साहब है वो भी पढ़े लिखे हैं, और मुकला साहब ने हॉस्पिटल के ऊपर इकट्ठे होकर दावा बोला है। आप अगर आपको पहले ये बताओ किसी ने ऐसे किया है तो वो भी मुझे आप बता दें। कभी ऐसा नहीं हुआ, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसमें कई मरीज जो बेचारे थे, जिस तरह की रिपोर्ट होता है उनकी डेथ भी हुई है, जिसकी भी मेच्योर फाइंड आउट अभी इंक्वायरी होगी। इस बात में कोई शुबा नहीं है कि जो भी कल्प्रेट होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ उनके खिलाफ एक्शन हो। अच्छा एजाज साहब, ये एक बड़ा अफसोसनाक अमर आज देखने में आया कि वकला वहाँ पहुँचे जुलूस की सूरत में और पुलिस भी वहाँ थी। एक डेढ़ घंटे तक जब तक ये हंगामा आराई होती रही, और आपको तो पता है इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी दिल के मरीज़ होते हैं, वैसे ही परेशान होते हैं, वैसे ही नाजुक होते हैं। शीशे तोड़े गए वहाँ पर, पुलिस देखती रही, वकला अंदर घुसे पुलिस देखती रही, और हद तो ये कि बाहर पुलिस की अपनी गाड़ी नज़र आतिश कर दी गई, पुलिस देखती रही। तो इतने लेतुलाल से क्यों काम लिया गया? आपको लगता है कि जल्दी लेना चाहिए था एक्शन? देखिए आप जब देखें जो हॉस्पिटल की सिक्योरिटी होती है ना, आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए, हॉस्पिटल की अपनी सिक्योरिटी भी होती है, लॉ एनफोर्समेंट भी होती है, लेकिन वो सिक्योरिटी इस काम के लिए नहीं होती कि 500,000 बंदा उनके ऊपर दावा बोले। सर सॉरी टू कट यू, हॉस्पिटल हॉस्पिटल की सिक्योरिटी की हम बात नहीं कर रहे, टॉकिंग अबाउट द पुलिस। पुलिस वहां मौजूद थी, भारी नफरी में थी। सर भारी नफरी में पुलिस जो थी उधर जरूर होगी। ये कोई मेन जेल रोड के ऊपर ये पाक्या हुआ है, पीआईसी जो है ये तो ऐसा नहीं था। दरअसल इट इज सच एन अनएक्सपेक्टेड चीज हुई है कि लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज ने जरूर देखे ना, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी बाहर को नहीं गई ना उधर से, वो उनको कंट्रोल कर रहे हैं। आपने देखा है कि साहब उधर थे, प्रोविंशियल मिनिस्टर, उनका क्या हाल हुआ? सो इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने बहुत ज्यादा ये मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, ये तो गुंडागर्दी से आगे चीज गुजर गई है। इसके ऊपर इंक्वायरी होगी बट हाई लेवल। प्राइम मिनिस्टर साहब ने नोटिस ले लिया है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को डायरेक्ट किया है कि जाएं को देखते हैं, चीफ सिटी आई जी सारों, ये एक आधे दिन में बात क्लिक हो जाएगी। और मैं ये आपको इंश्योर करना चाहता हूँ कि जो भी कल्प्रेट हुए उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द जनरल। और सर आपकी नज़र से ये भी गुजरा होगा कि इस सारी रस्साकशी में, आप जाहिर से बात है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दोनों जो फैक्शंस हैं, चाहे डॉक्टर्स हो चाहे वकला हो, पढ़ा लिखा तबका है, लोग देखते हैं इनकी तरफ अपने मसाइल के हल के लिए, अपने इलाज के लिए, जो अमवात हुई हैं इस सारी रस्साकशी में, उसका जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? किसके खिलाफ FIR कटनी चाहिए? देखे ना, ये मेरे कहने से तो मैं यहाँ इस्लामाबाद में बैठा हुआ इस किस्म का कमेंट्स नहीं दे देता, दे सकता कि किसके ऊपर कटनी जरूर चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, पता करना चाहिए किसकी वजह से हुआ, उनके ऊपर FIR कटनी जरूर चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखला रिस्पॉन्सिबल उन पर होना चाहिए, निकला है उन पर होना चाहिए। वफाकी वज़ीर दाखला एजाज शाह साहब, बहुत शुक्रिया।